एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर इन दोनों के बीच तीसरा इंसान आके इन दोनों को अलग करना चाहता है क्योंकि वो भी अपने प्यार को पाना चाहता है। कुछ ऐसे ही लव ट्रायंगल टर्किश ड्रामास बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें से इस वीडियो में मैं आपको 12 ऑल टाइम बेस्ट लव ट्रायंगल टर्किश ड्रामास के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप हिंदी या उर्दू डबिंग में देख सकते हैं। साथ ही कुछ ड्रामास सबटाइटल के साथ भी हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेजल और किनान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो जल्दी शादी करना चाहते हैं, पर आगे इन दोनों के बीच आ जाता है वुरुल। वो एक बिजनेसमैन है जिसकी वाइफ बिल्कुल हेजल की तरह दिखती थी, पर अब उसकी डेथ हो चुकी है। तो हेजल को देखने के बाद उरुल पागल हो जाता है और वो उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करता है। और आगे क्या होगा जब उरुल की वजह से हेजल और केनान अलग हो जाएंगे, ये जानने के लिए देखिए ब्लैक पर्ल यूट्यूब पर। अपने पिता के मौत के बाद मुअज्जिज अपने आप को अकेला पाती है, पर आगे वो अपने अंकल के घर आती है जिनसे वो पहली बार मिल रही है। इस घर में आने के बाद दो भाई सैद और नमिक मुअज्जिज को दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं, पर नमिक पहले से ही शादीशुदा होता है। पर आगे क्या होगा जब मुअज्जिज को पाने के लिए नेमिक अपनी शादी को भी दाव पर लगाने के लिए तैयार होता है, क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए फरेब एक हसीन धोखा यूट्यूब पर। एक वेट्रेस रह चुकी डेफने को आगे एक बिजनेसमैन उमेर की असिस्टेंट बनना पड़ता है। डेफने पैसों की जरूरत की वजह से उमेर की आंटी नरीमैन से एक डील करती है जिसमें वो उमेर से 6 महीने तक शादी का नाटक करेगी। पर आगे क्या होगा जब इस प्लान के बीच सीनान आ जाएगा जो उमेर का बिजनेस पार्टनर है और वो डेफने को पसंद करने लगेगा, तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए लव फॉर रेंट यूट्यूब पर। अपने घर को खो देने के बाद आयशा गुल के पास जान टेकिन की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, जो चाहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे ताकि जान एलिफ को जला सके जिसे वो बहुत चाहता है। पर आगे क्या होगा जब जान का दोस्त मुराद आयशा गुल को पसंद करने लगेगा, तो आगे इन चारों की लव स्टोरी क्या मोड़ लेगी ये जानने के लिए देखिए मैं आयशा गुल डेली मोशन ऐप पर। एक बिजनेसमैन अदनान की वाइफ बीतर को आगे बहलूल से प्यार हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों का एक सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। पर आगे क्या होगा जब अदनान और उसकी फैमिली मेंबर्स को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चलेगा ये जानने के लिए देखिए इश्के ममनू यूट्यूब पर। एसली और बुराक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों की पहले ही मुलाकात में बहस हो जाती है जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहते। पर कुछ दिनों बाद इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है एक 5-स्टार होटल में जहाँ पर एसली जॉब कर रही है, पर उसे शौक होता है जब उसे पता चलता है कि बुराक इस होटल का ओनर है। यहाँ एसली की मुलाकात वोल्कान से होती है जो बुराक का बिजनेस पार्टनर भी है। आगे क्या होगा जब वोल्कान और बुराक दोनों ही एसली को पसंद करने लगेंगे जानने के लिए देखिए स्ट्रॉबेरी स्मेल यूट्यूब पर। एक एंगेज्ड कपल एलिफ और एरहान को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब एरहान अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में खो देता है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़े कर्जे में आ जाता है। आगे ये बात जब सिबेल को पता चलती है जो एरहान की बॉस है, वो इन दोनों को एक ऑफर देती है जिसके बाद इन तीनों की जिंदगी बदल जाएगी, तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए एगो सबटाइटल के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल है। केमाल और निहान एक दूसरे को पहले ही मुलाकात से पसंद करने लगते हैं, पर इन दोनों के बीच आता है अमीर जो निहान को किसी भी हाल में पाना चाहता है और वो ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो आगे अमीर क्या करेगा जब उसे केमाल और निहान के बारे में पता चलेगा ये जानने के लिए देखिए एंडलेस लव एमएक्स प्लेयर पर। एसरा और रोजान शादीशुदा थे पर 2 साल पहले ही उनका डिवोर्स हो जाता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, पर 2 साल बाद ओजान अब एक टेक कंपनी का सीईओ बन चुका है। यह बात जब एसरा को पता चलती है तो वो शॉक हो जाती है और वो आगे ओजान से बात करने जाती है, पर वो बहुत रूडली बात करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एसरा अब उसकी सक्सेस देख के उसके पास आई है। इस बात से एसरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो आगे डिसाइड करती है कि वो ओजान से बदला लेगी। इसके लिए एसरा ओजान की कंपनी में जॉब करने लगती है, यहाँ उसकी मुलाकात होती है जिनार से जो आगे एसरा को पसंद करने लगता है। पर एसरा बदला या प्यार में क्या चुनेगी ये जानने के लिए देखिए कनिंग सिंगल लेडी सबटाइटल के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल है। दो भाई यासिर और अमीर माफिया के लोगों से अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहते हैं, इसके लिए यासिर माफिया के लोगों में ही शामिल हो जाता है, पर दूसरी तरफ अमीर कानून का सहारा लेता है। पर आगे क्या होगा जब ये दोनों सिबेल को पसंद करने लगेंगे और क्या ये दोनों भाई अपने पिता के मौत का बदला ले पाएंगे ये जानने के लिए देखिए आबरू यूट्यूब पर। एक कार एक्सीडेंट दो भाइयों की जिंदगी बदल देता है। गुजरे 5 साल बाद जब जेल से वापस आता है तो यहाँ उसे पता चलता है कि उसका प्यार जमरे शादी करने वाली है गुने से। इस बात से कुजे बिल्कुल खुश नहीं होता, जिसके बाद धीरे धीरे इन दोनों भाइयों के बीच नफरत और दुश्मनी बढ़ते जाती है, तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए कुजे गुने यूट्यूब पर। एक फैशन डिजाइनर पियामी अपने फ्रेंड दिमित्री की मंगेतर एस्मेक के लिए एक वेडिंग ड्रेस डिजाइन करता है, पर आगे एस्मेक घर से भाग जाती है क्योंकि उसे दिमित्री से शादी नहीं करनी जो एक साइकोपैथ है, और वो एस्मेक को शादी से पहले ही टॉर्चर करने लगता है। पर आगे क्या होगा जब एस्मेक भाग के पियामी के पास आ जाएगी और दिमित्री को इस बात का पता चलेगा तो वो क्या करेगा ये जानने के लिए देखिए ये थ्रिलर ड्रामा दर्जी नेटफ्लिक्स पर। ये थे वो 12 लव ट्रायंगल टर्किश ड्रामास। इनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है उसे कमेंट करके जरूर बताइए।